जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इंस्टाग्राम द्रविड़ विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर की हुआ डाउन क्यों हुआ, उसके पीछे देखा जाए तो एक बड़ा रीज़न यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है जिसको हम यहाँ पे आगे बताने वाले हैं। एंड वहीं पे एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या बड़ी गिरावट यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है, तो चलिए वो जब रीज़न देखेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि क्या हम एग्जिट हो जाए, तो ये रीज़न देखने के बाद अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम कह सकते हैं कि एग्जिट होने वाली बात यहां पे कहीं आती ही नहीं दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जब मार्केट गिरते हैं तब तो वहां पे बाय करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी यहां पे हमको देखने को मिल जा रहा है। तो जो पहला सवाल है कि हम एग्जिट हो जाए, तो एग्जिट नहीं होना है, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है जब भी मार्केट यहां पे आपको गिरावट में देखने को मिले तब। ओके, तो चलिए अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। सो यहाँ पर हम आ गए सीधा निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो परफॉर्मेंस है वो करीब वो 1% से ज़्यादा की गिरावट में ही हमको देखने को मिल जा रहा है। यही हाल अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, सेम यही इसी परसेंट के आसपास ही उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिल जा रही है। देन यहाँ पे अगर आप मार्केट देखें, सबसे पहले सुबह सुबह जब ओपनिंग हुई थी तो आप देखिए कि मार्केट जो है हमारा डाउन ही ओपन होते हुए हमको देखने को मिला है, उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी हमको देखने को मिली है। देन वहाँ पे आप देखिए कि उसी पे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि करीब 12 बजे के बाद, मतलब जब यूरोपियन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है दोस्तों, तब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमारा मार्केट फिर से गिर गया, फिर संभालने के कोशिश किया एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली एंड अगेन हमको फिर से संभलते हुए अपना मार्केट यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब ये जो चीज़ 12 बजे हमको देखने को मिला है, शायद यही हमको एक वजह देखने को मिल रही है, तो उसको ऊपर यहाँ पर हम अब चलने वाले हैं। सो यहाँ पर हम सीधा ग्लोबल इंडेक्स पर हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूएस का मार्केट है नैसडैक, वो भी आपको लाल निशान में देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट की बातें करें जो कि 12 एक बजे के आसपास हमारा ओपन होते हुए देखने को मिलता है, तो उसकी भी अगर बातें करें तो आप देखिए कि यहाँ पे तीनों के तीनों हमको यहाँ पे लाल निशान में ही देखने को मिल जा रही है। देन वहाँ पे एशियन मार्केट की बातें करें तो वो भी हमको लाल निशान में देखने को मिल जा रहा है। आप देखिए कि सभी जगह का मार्केट ही पूरा हमको लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी यहाँ पे हमको बता रही है। मतलब एक भी ऐसा कोई मार्केट आप देखिए इसमें नहीं देखने को मिल रहा है कि वो आपको हरे निशान में देखने को मिले, सभी के सभी आप देखिए कि लाल निशान में ही यहां पे आपको देखते हुए मिल जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खतरे की घंटी भी हम कह सकते हैं यहां पे हमको देखने को मिल जा रही है। देन यहां पर हम डाउ जोन्स के फ्यूचर पर आ गए हैं, जो कि अपने मार्केट के साथ ही चलते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसको भी आप देख सकते हैं कि करीब 1% के आसपास इसमें भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब या डोजोन का जो फ्यूचर वो ओपन हुआ, तब देखें वहाँ से सीधा ही गिरावट यहाँ पे हमको इसमें भी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। सो देखा जाए तो सभी मार्केट यहाँ पे डाउन है, हमारा मार्केट भी डाउन है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, ओनली वन कारण, जो कि पूरे ग्लोबल पे हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एंड बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ये समझ गए होंगे कि वो कारण क्या है, तो चलिए सीधा उस रीजन पर चलते हैं। सो वो रीजन है दोस्तों यहाँ पे कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो बहुत से देशों में यहाँ पे कोरोना की फिर से एंट्री होते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। एंट्री मतलब जो केसेस पहले जिन देशों में कम थे, अब उन देशों में बहुत सारे देशों में ऐसा देखने को मिल जा रहा है कि उनके जो केसेस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। एंड कई देशों में तो यहाँ पे 2 गुना केसेस यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिल जा रहे हैं। वहीं पर अगर अपने देश इंडिया की अगर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेकंड आया था तो करीब 4 लाख से ऊपर का केसेस यहाँ पे हमको हर दिन यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जा रहा था। देन उसके बाद से देखिए कि इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। एंड वहीं पे अगर इंडिया की बातें करें दोस्तों, तो इंडिया भी अभी इस खतरे से सचेत हो रहा है एंड यहाँ पे हमारे PM साहब ने भी हमको अलर्ट किया है। देन वहीं पे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं वो भी उन्होंने भी
हम लोगों को अलर्ट किया है एंड ऐसी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक यहाँ पे कोविड का थर्ड वेव आते हुए हमको देखने को मिल जा रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि आज हमको मार्केट में 1% की गिरावट देखने को मिली है। सो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगस्त के सेकेंड वीक में आएगा तो अभी क्यों गिरावट होगी, तो ये दोस्तों ये मार्केट है, मार्केट हमेशा 10 कदम आगे चलते हुए देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपने पिछले साल देखा होगा यहाँ पे जब केसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब 10-20 केसेस भी मान लीजिए नहीं था, तब भी आपको अपने मार्केट मतलब इंडिया के मार्केट की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो उसमें आपने देखा था कि केसेस आने से पहले ही एक बड़ी गिरावट हमको अपने शेयर मार्केट में देखने को मिल गई थी। क्यों देखने को मिल गई थी, क्योंकि बाकी देशों में बातें करें तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से ऐसा हमको अपने इंडियन मार्केट में पहले ही देखने को मिल गया। उन्होंने पहले ही भाप लिया कि केसेस इंडिया में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो आबादी है वो करीब 130 करोड़ के पार इस समय प्रेजेंट टाइम में हमको देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पर अगर केसेस बढ़ता है तो ज़्यादा तबाही हो सकती है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेंस किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि केसेस बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ते हुए देखने को मिला, इस वजह से हमारा जो मार्केट है वो अच्छी खासी रिकवरी होते हुए देखने को मिला एंड अभी भी देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी पे ही हमको चलते हुए देखने को मिल जा रही है। सो दोस्तों यही एक रीज़न थी जो कि सबसे मेन रीज़न है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सारे रीज़न बताएंगे, लेकिन सभी रीज़न का बाप यही है दोस्तों, मतलब इसी एक रीज़न से सभी रीज़न यहाँ पे आपको जुड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो यही एक रीज़न थी, तो आराम से यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे मार्केट में मान लीजिए गिरावट आती है तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स लगा करके बाय कर सकते हैं, एक अच्छा मौका मिलता है, जब भी मार्केट डाउन होता है तब वहां पे हमको एक अच्छा मौका मिलता है बाय करने से रिलेटेड एंड इसी मौके की तलाश में हमेशा करता रहता हूं कि जब मार्केट गिरेगा तब मैं वहां पे अपनी जो फेवरेट कंपनी है उसको मैं बाय करूंगा एंड वो फेवरेट कंपनी आपको भी मालूम है, मैं हमेशा अपने चैनल पे उनके वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप चाहें तो इस गिरावट का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। बात करें क्या बड़ी गिरावट आने वाली है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उतनी बड़ी सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिले, छोटी मोटी गिरावट है, बाद में सही हो जाएगा, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे बाद में, सो कोई टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।